वेल गुड मॉर्निंग। आज हम टॉपिक करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा पी एन जंक्शन। हाँ जी, पी एन जंक्शन क्या होता है? देखिए, जब हम पी टाइप मटेरियल को एन टाइप मटेरियल के साथ जोड़ते हैं, जब हम पी टाइप मटेरियल को एन टाइप मटेरियल के साथ जोड़ते हैं, एक जंक्शन बनता है। उस जंक्शन को हम क्या बोलते हैं? पी एन जंक्शन। देखिए दोबारा से, एक बार फिर से, मेरे पास एक पी टाइप मटेरियल है और एक एन टाइप मटेरियल है। मैंने इन दोनों को जोड़ा। देखिए, यहाँ रेड लाइन जो इंडिकेट कर रही है वो क्या कर रही है? जंक्शन को इंडिकेट कर रही है। तो हम इसको क्या बोल रहे हैं? जंक्शन। तो हमारा ये क्या बन गया? पी एन जंक्शन। यानी कि जब हम पी टाइप मटेरियल को एन टाइप मटेरियल के साथ जोड़ते हैं, तो जो जंक्शन बनता है उस जंक्शन को हम क्या बोलते हैं? पी एन जंक्शन। देखिए, जब ये जंक्शन बनता है, यानी कि जब हम पी टाइप मटेरियल को एन टाइप मटेरियल के साथ जब जोड़ते हैं, जब ये जंक्शन बनता है, तो कुछ प्रोसेस होते हैं। वो प्रोसेस क्या होते हैं? आइए अब हम उनको समझ लेते हैं। देखिए, जब जंक्शन बनता है, जो प्रोसेस होते हैं, वो प्रोसेस क्या होते हैं? डिफ्यूजन, डिप्लीशन रीजन और ड्रिफ्ट। अब हमें इन्हीं प्रोसेस को समझना है कि कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। देखिए, अब हम क्या लेंगे? इस प्रोसेस को समझने के लिए हम क्या लेंगे? एक पी टाइप मटेरियल लेंगे और एक एन टाइप मटेरियल लेंगे। मैंने क्या लिया? एक पी टाइप मटेरियल ले लिया और एक मैंने क्या ले लिया? एन टाइप मटेरियल ले लिया। ओके, मैं आपको पहले बता देता हूं, होल के लिए मैं सर्कल यूज करूंगा। ओके, और इलेक्ट्रॉन के लिए मैं डॉट यूज करूंगा। अब मैंने क्या लिया? मैंने लिया पी टाइप मटेरियल और एक क्या लिया मैंने? एन टाइप मटेरियल। पी टाइप मटेरियल में होल्स ज्यादा होते हैं और इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, यानी कि मेजोरिटी चार्ज कैरियर पी में होल रहेगा और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन रहेगा। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और होल कम होते हैं, यानी कि एन टाइप में मेजोरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होगा और होल माइनॉरिटी चार्ज होगा। ओके, अब देखिए, पी टाइप मटेरियल में मैं होल बना रहा हूं। ये मैंने होल बना दिया। ओके, पी टाइप मटेरियल में मैंने होल बना दिए मेजोरिटी चार्ज कैरियर। इसमें मैं इलेक्ट्रॉन भी डाल रहा हूं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ओके, अब मुझे एन टाइप में इलेक्ट्रॉन बनाने हैं। ओके, एन टाइप में मैंने इलेक्ट्रॉन बना दी मेजोरिटी चार्ज में। अब मुझे होल्स बनाने हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, एज ए माइनॉरिटी चार्ज। देखिए, ये हमारा बन गया पी टाइप मटेरियल और ये बन गया एन टाइप मटेरियल। जब हमने पी टाइप मटेरियल को एन टाइप मटेरियल के साथ जोड़ा, एक जंक्शन बना। देखिए ये लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं? यहां पर क्या बना? जंक्शन बना। ये जंक्शन, इसी को तो हम बोलते हैं पीएल जंक्शन। देखिए अब क्या होगा? देखिए, यहां पर पी टाइप में होल ज्यादा है और यहां पर, सॉरी, मैं होल्स के लिए डॉट यूज कर ली, आप लीडर। अब हम क्या देख रहे हैं? पी टाइप में होल ज्यादा है और एन टाइप में होल्स कम है। ठीक है, सेम सेंस में एन टाइप में हम क्या देख रहे हैं? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या है? कम। तो क्या होगा? हम क्या देखेंगे? इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन यहां पर ज्यादा है और यहां इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन यहां पर कम है। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां
मूव करेंगे। इसी सेम सेंस में यहाँ पर होल्स ज्यादा है और यहाँ पर होल्स कम है, तो होल्स मूव करेंगे पी टाइप से एन टाइप, हाई कंसेंट्रेटेड रीजन टू अ लो कंसेंट्रेटेड रीजन। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। यानी कि हमारा एक यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट हो गया जिसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है, चार्ज कैरियर का मूवमेंट हाई कंसेंट्रेटेड रीजन से लो कंसेंट्रेटेड रीजन क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। देखिए मैंने आप लोगों के लिए लिखा भी है, डिफ्यूजन क्या होता है, चार्ज कैरियर मूव फ्रॉम हाई कंसेंट्रेटेड रीजन टू अ लो कंसेंट्रेटेड रीजन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मैं इसको यहां चित्रा देता हूं, ठीक है। तो यहां पर डिफ्यूजन होना स्टार्ट हो गया, यानी कि ज्यादा वाली चीज कम वाली तरफ जा रही है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, जो आपका होल है, ये होल है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, यानी कि आपका इलेक्ट्रॉन हाई कंसेंट्रेटेड रीजन से लो कंसेंट्रेटेड रीजन जा रहा है। आपका जो इलेक्ट्रॉन है होल के साथ रिकम्बाइन होके इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन होगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन होल के साथ रिकम्बाइन होके न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन इस दौरान क्या हो रहा है, हमने देखा कि डिफ्यूजन हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन हाई कंसेंट्रेटेड रीजन से लो कंसेंट्रेटेड रीजन की तरफ जा रहा है, इसकी वजह से करंट पैदा हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चल रहा है और हम उस करंट को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन करंट। यानी कि इस एरिया में हमने क्या देखा, इस स्टेप में एक हो रहा है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन से क्या हुआ, कौन सा करंट पैदा हुआ, डिफ्यूजन करंट। आप लोग यहां भी देख सकते हैं, मैंने यहां लिखा हुआ है, अगर चार्ज कैरियर मूव करता है हाई कंसेंट्रेटेड रीजन से लो कंसेंट्रेटेड रीजन, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे वो होल हो, तो इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं, और जो करंट पैदा होता है इस प्रोसेस की वजह से उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन करंट। ओके, गॉट इट। देखिए हम एक फिगर और बना लेते हैं, देखिए सेकंड स्टेज में क्या होगा, आप इसको लिख सकते हैं फर्स्ट स्टेप, सेकंड में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन होल के साथ रिकम्बाइन हो गया, यानी कि वो न्यूट्रल हो गया, यानी कि अब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे, इसी तरह यहां भी कोई होल्स नहीं रहेंगे। यानी कि क्या हुआ, जो आपका ये जंक्शन है, जंक्शन के इधर भी नियर द जंक्शन कोई चार्ज कैरियर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल के साथ जो आपका यहां पर, आप समझ सकते हैं इसको, जो आपका इलेक्ट्रॉन था और यहां पर क्या था, आपका होल था, इलेक्ट्रॉन होल के साथ जाके क्या हो गया, जुड़ गया, रिकम्बाइन हो गया, जिसकी वजह से ओवरऑल चार्ज क्या हो गया, यानी कि इसका चार्ज क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, यहां पर कोई चार्ज कैरियर नहीं हो गया। तो हमने क्या देखा, डिफ्यूजन की वजह से इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहे थे और होल्स यहां से यहां जा रहे थे नियर द जंक्शन के पास पास, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और होल आपस में रिकम्बाइन हुए वो न्यूट्रल हो गए। अब हम क्या देख रहे हैं, नियर द रीजन यहां पर कोई भी चार्ज कैरियर नहीं है, जिसकी वजह से करंट पैदा होता है, कोई भी चार्ज कैरियर नहीं है, सारा चार्ज कैरियर क्या हो गया, डिप्लीट हो गया, खत्म हो गया। तो इसलिए जो ये रीजन बनता है, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन। क्या बोलते हैं इसको, डिप्लीशन रीजन। देखिए आप लोगों के लिए मैंने यहां लिखा भी हुआ है, डिप्लीशन रीजन क्या होता है, द रीजन अराउंड द पीएन जंक्शन हैविंग नो मोबाइल चार्ज इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन। ओके, तो हमने देखा सबसे पहले डिफ्यूजन हुआ, चार्ज कैरियर का मूवमेंट हुआ,
इलेक्ट्रॉन इधर से इधर, होल्स इधर से इधर, उसकी वजह से करंट पैदा हुआ, उस करंट को हमने क्या बोला, डिफ्यूजन करंट बोला। लेकिन उसकी वजह से नियर द जंक्शन, जंक्शन के इस तरफ और इस तरफ कोई भी चार्ज कैरियर नहीं था, ना इलेक्ट्रॉन थे ना आपके होल थे, जिसकी वजह से यहाँ पर उस रीजन को हमने नाम क्या दिया, डिप्लीशन रीजन। आप यहाँ से रीड कर सकते हैं, डिफ्यूजन डिफ्यूजन करंट, डिप्लीशन रीजन। तो आइए अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए डिप्लीशन रीजन यहाँ बन गया। अब डिप्लीशन रीजन बनने से क्या होगा देखते हैं। देखिए अब मुझे एक बात बताइए, जो आपका एन टाइप मटेरियल था और पी टाइप मटेरियल था, एन टाइप मटेरियल पे पहले ओवरऑल चार्ज यानी कि नेट चार्ज कितना था, जीरो। सेम सेंस पी टाइप मटेरियल पे नेट चार्ज कितना था, जीरो। लेकिन जब डिफ्यूजन हुआ, इलेक्ट्रॉन इधर गए और होल इधर गए, अब हम क्या देख रहे हैं, ये एन टाइप मटेरियल है और ये पी टाइप मटेरियल है। एन टाइप मटेरियल से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन उनसे निकल रहे हैं, यानी कि उसका नेट चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जो ये रीजन है, ये रीजन आप ध्यान से देखिए, इस रीजन का ओवरऑल यानी कि नेट चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव आयंस आ जाएंगे इस पे एन टाइप मटेरियल पे। सेम सेंस अब इसमें देखेंगे हम पी टाइप मटेरियल पे। पी टाइप मटेरियल से होल्स निकल रहे हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो पी टाइप मटेरियल का जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव आयंस आ रहे हैं। ओके, अब आप देख रहे हैं यानी कि एन टाइप मटेरियल पे नेट चार्ज कितना है, पॉजिटिव, और पी टाइप मटेरियल पे नेट चार्ज क्या है, नेगेटिव। आइए हम इसको थर्ड स्टेप्स में समझते हैं। देखिए तो हमने क्या देखा, जब डिप्लीशन रीजन बना उसके बाद एन टाइप पे नेट चार्ज पॉजिटिव एंड पी टाइप पे नेट चार्ज नेगेटिव। अब हम इलेक्ट्रिक स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि जब पॉजिटिव चार्ज एक तरफ, नेगेटिव आयंस हो, उसकी वजह से यहां पर क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। अब देखिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है, जिसकी वजह से यहां पर क्या क्रिएट हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, यानी कि यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर क्या पैदा हो जाएगा, आप यहां लिख लीजिए, क्या पैदा हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाएगा यहां पर। ओके, यानी कि आप देखिए यहां पर पॉजिटिव है और यहां पर क्या है, नेगेटिव है, तो एन पे यहां पर हाई पोटेंशियल है और यहां पर लो पोटेंशियल है, क्योंकि एन टाइप पे पॉजिटिव आयंस है और पी टाइप पे नेगेटिव है, इसलिए यहां पर पोटेंशियल क्या है, ज्यादा, और यहां पर पोटेंशियल क्या है, कम। आप इसको जोड़ दीजिए, यानी कि इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, यहां पर क्या बन गया, पोटेंशियल बैरियर। देखिए आप समझिए क्या हुआ कि जब हमने पी टाइप मटेरियल को एन टाइप मटेरियल के साथ जोड़ा तो क्या हो रहा था, ज्यादा वाली चीज कम वाली तरफ जाने लगी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगे और होल्स इधर जाने लगे, जिसकी वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन और होल का रिकम्बिनेशन हुआ, वो चार्ज न्यूट्रल हो गया नियर द जंक्शन। जंक्शन के इस तरफ कोई भी चार्ज नहीं था, हमने इसको क्या बोल दिया, डिप्लीशन रीजन हो गया, और जो करंट बना उस करंट को क्या बोल दिया हमने, डिफ्यूजन करंट बोल दिया। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, टोटल नेट चार्ज, नेट चार्ज जिसे बोलते हैं, और इस पर नेट चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव। अब इस पे नेट चार्ज पॉजिटिव, इस पे नेट चार्ज नेगेटिव, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां पर क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, यानी कि यहां पर पोटेंशियल बैरियर। अब क्या होगा, अब पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल बैरियर से अब क्या होगा, अब ये होगा कि डिफ्यूजन प्रोसेस रुक जाएगा, अब डिफ्यूजन प्रोसेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा देखते हैं,
अब देखिए जो कि डिफ्यूजन में क्या हो रहा था, आपके इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे थे और होल इधर से इधर आ रहे थे। अब यहां पर क्या होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव, इधर से इधर। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कौन जाते हैं, कौन जाते हैं, आपके पॉजिटिव चार्ज जाता है ना कि इलेक्ट्रॉन जाता है। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर जा रही है, आप यहां लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया यहां पर इलेक्ट्रॉन और होल, कहां पर थे, एन टाइप में, ऐसे आप इसमें लिख दीजिए पी टाइप में कौन, इलेक्ट्रॉन और होल। अब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां जा रही है, इसको थोड़ा सा यहां देखिए, इस चीज को देखना आपने, सिर्फ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां जा रही है, एन टाइप से पी टाइप, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन भी है होल भी है, सेम सेंस पी टाइप में इलेक्ट्रॉन भी है और होल भी है। अब क्या इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे इस तरफ एन से पी, नहीं इलेक्ट्रॉन इस तरफ नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि इस तरफ चार्ज क्या है, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव के पास नहीं जाता। होल, होल पे चार्ज क्या है पॉजिटिव, क्या होल जाना पसंद करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, हाँ, क्योंकि इधर चार्ज क्या है नेगेटिव, होल इधर जाएगा। अब हम आते हैं पी टाइप मटेरियल में, पी टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज क्या है नेगेटिव, क्या वो इधर जाना पसंद करेगा, हाँ, क्योंकि इधर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। होल पे चार्ज क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ साथ नहीं जाएगा तो होल नहीं जाएगा। अब हम क्या देख रहे हैं, यानी कि अब जो डिफ्यूजन प्रोसेस चल रहा था वो रुक गया, अब वो रुक गया, अब क्या होना शुरू हो गया, अब इलेक्ट्रॉन ना जाके अब इधर होल जाएंगे, यानी कि अब इधर कौन जाएंगे, होल जाएंगे, और इधर कौन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे। पहले क्या हो रहा था, ध्यान से देखिए, पहले इधर इलेक्ट्रॉन जा रहे थे लेकिन अब इधर होल जा रहे हैं। आप इसको लिख सकते हैं, हम यहां लिख सकते हैं, यानी कि पहले प्रोसेस हुआ डिफ्यूजन, पहले क्या हुआ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन में क्या होता है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इधर जाते हैं और होल आपके इधर जाते हैं, ओके। उसके बाद अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम क्या देख रहे हैं, अब हमारे इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं और होल इधर जा रहे हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं डिफ्यूजन, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं ड्रिफ्ट। क्या हो रहा है ड्रिफ्ट, क्या होता है मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल, अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने आप लोगों को यहां लिखा है, फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट, एंड ड्यू टू व्हिच जो करंट पैदा होता है इसको करंट को हम क्या बोलते हैं ड्रिफ्ट। यानी कि अब हमारे पास कौन सा करंट पैदा हो गया, ड्रिफ्ट करंट पैदा हो गया, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं डिफ्यूजन में कौन से फ्लो करते हैं, मेजोरिटी चार्ज कैरियर, और ड्रिफ्ट में कौन मूव करते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, जो इसकी वजह से जो करंट होगा वो ड्रिफ्ट करंट होगा, और जो इसकी वजह से जो करंट होगा वो डिफ्यूजन करंट होगा, ओके। तो हमारे पास जो फाइनल इमेज है वो क्या बन जाएगी, यानी कि ये हमारा पी टाइप मटेरियल और ये एन टाइप मटेरियल, ये क्या होगी डिप्लीशन, ओके। तो ये हो जाएगा, अब हम क्या देखते हैं, हमारे पास एक पी टाइप मटेरियल और एक क्या है एन टाइप मटेरियल, ये डिप्लीशन रीजन है। अगर हम इसको यहां पर मेटल के कॉन्टैक्ट लगा देते हैं, यहां पर मेटल के कॉन्टैक्ट लगा देते हैं, तो हम इसको एक और नेम से जानते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं डायोड, क्या बोलते हैं इसको हम डायोड, और डायोड का जो सिंबल होता है वो सिंबल क्या होता है P, this is क्या डायोड, ओके। इसको बार बार बनाना टफ रहता है, इसलिए हम एक सिंबल बनाते हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ डायोड, दिस इज पी टाइप एंड दिस इज द एन टाइप। सो दिस इज ऑल अबाउट पी एन जंक्शन, थोड़ा सा इसको रिवाइंड कर लेते हैं जल्दी से जल्दी। पीएन जंक्शन क्या होता है, जब हम पी टाइप मटेरियल को एन टाइप मटेरियल के साथ जोड़ते हैं एक जंक्शन बनता है, उस जंक्शन को हम क्या बोलते हैं पी एन जंक्शन। पी टाइप मटेरियल में होल्स ज्यादा होते हैं और यहाँ होल्स कम होते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और यहाँ इलेक्ट्रॉन कम होते हैं।
जंक्शन जोड़ते ही एक प्रोसेस स्टार्ट होता है, कौन सा बोलो, डिफ्यूजन। कौन सा प्रोसेस स्टार्ट होगा, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे, होल से यहां से जाएंगे, मतलब कि ज्यादा वाली चीज कम वाली तरफ जाना शुरू हो जाएगी। अब यूं भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन होल के साथ यहां पर जाएगा, ऐसे होल इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन और होल का क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा। रिकॉम्बिनेशन होने से वो क्या होंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर ना इलेक्ट्रॉन है ना होल है, इसकी वजह से इस यहाँ पर एक स्पेस चार्ज रीजन बनेगा, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन जहां पर कोई भी चार्ज कह रहे हैं ना। उसके बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, होल यहां से यहां गया, जिसकी वजह से यहां पर पॉजिटिव आयंस आ जाएंगे, यहां पर नेगेटिव आयंस, जिसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर हाई पोटेंशियल, यहां पर लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, डिफ्यूजन प्रोसेस बंद हो जाएगा, यानी कि आपके जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर थे, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे थे, वो जाने क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। अब कौन से फ्लो होंगे, अब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो, यानी कि डिफ्यूजन की वजह से आपके इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी चार्ज कैरियर जा रहे थे, लेकिन अब ड्रिफ्ट की वजह से, ड्रिफ्ट की वजह से अब आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो होंगे। यानी कि जो आपके प्रोसेस थे, डिफ्यूजन प्रोसेस और ड्रिफ्ट प्रोसेस, जिसकी वजह से आपका क्रिएट हुआ, फाइनली जो आपका रहेगा, यानी कि पी एन पी टाइप मटीरियल, एन टाइप मटीरियल, यहाँ पर आपकी क्या रहेगी, बोलिए, पोटेंशियल वैरिएंट रहेगा। ओके, एंड उसको रिप्रेजेंट करते हैं पी एन डब्ल्यू से। देखिए जी, आपके सामने डिफ्यूजन, तो हमने मेन प्रोसेस डिफ्यूजन, डिप्लीशन रीजन, ड्रिफ्ट। ओके, देखिए ओके, थैंक यू।